सिद्धार्थ की मॉम रीटा शुक्ला हुई इमोशनल। बताया कि आखिर उस रात क्या हुआ था। सिद्धार्थ के साथ बिताए लास्ट मोमेंट को किया याद। आइए जानते हैं पूरी खबर। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 40 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके निधन की खबर पूरी इंडस्ट्री, परिवार और फैंस के लिए बड़ा सदमा लेकर आई है। सिद्धार्थ की तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुवार को ही मुंबई के जुहू स्थित कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें मैसिव हार्ट अटैक आया था। वहीं हाल ही में सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ को इससे पहले वर्कआउट आराम से करने की हिदायत मिल चुकी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो 1 सितंबर को रात 8 बजे सिद्धार्थ एक मीटिंग से लौटे थे और रात करीब 10 बजे अपने बिल्डिंग कंपाउंड में जॉगिंग के लिए निकले थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जॉगिंग के बाद घर आकर उन्होंने कुछ खाना खाया और सोने चले गए। वो अपनी वर्कआउट रूटीन कभी मिस नहीं करते थे। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक रात करीब 3 बजे सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हुई तो उनकी नींद खुली। उन्होंने इसके बारे में अपनी माँ रीटा शुक्ला को बताया और माँ ने सिद्धार्थ को पानी दिया। पानी पीने के बाद एक्टर सो गए और फिर इसके बाद वो कभी उठे ही नहीं। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ अपने वर्कआउट रूटीन और मेडिटेशन का खास ध्यान रखते थे। वो दिन में 3 घंटे एक्सरसाइज करते थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया है कि डॉक्टर ने सिद्धार्थ को सलाह दी थी कि वर्कआउट पर स्लो जाए। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर पुलिस कई लोगों के बयान भी दर्ज करवा रही है। इस बीच न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो सिद्धार्थ की मां रीटा ने बयान दर्ज करवाया है। उन्होंने अपने बयान में बताया है कि बीती रात क्या क्या हुआ। उनके मॉम के मुताबिक रात तक सिद्धार्थ ठीक थे और खाना खाकर सोने चले गए थे, लेकिन सुबह उठे नहीं। परिवार ने ये भी साफ किया है कि सिद्धार्थ किसी भी तरह के मानसिक दबाव में नहीं थे। वह वाकई में सिद्धार्थ के निधन की असली वजह बता पाना मुश्किल है। ऐसे में बस दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस न्यूज़ पर आप हमें बताएं अपनी राय।